स्टार्ट आवर क्लास क्लास थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर 6 एक्सप्लेन कर दिया था और उसका बुक वर्क भी राइट करवा दिया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7। चैप्टर 7 का नेम है द वुडन बाउल। इस चैप्टर में ये बताया गया है अ चाइल्ड इज रिमार्केबली रिसेप्टिव एवरी इवेंट एंड इंसिडेंट दैट टेक्स प्लेस बिफोर हिज आईज प्रूव्स टू बी अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर हिज फ्यूचर। एक चाइल्ड रिसेप्टिव रूप से रिमार्केबल होता है, वह हर घटना को जो उसकी आँख के सामने घटित होती है वह उसको प्रूव करने के लिए अब एक बिल्डिंग ब्लॉक बना लेता है। यानी कि इस चैप्टर में यही बताया गया कि जो बच्चे होते हैं वो जो देखते हैं तुरंत उसको अपने माइंड में कैप्चर कर लेते हैं और उसी बात को वो क्या करते हैं, जो देखते हैं बच्चे वही करते हैं, वही सीखते हैं। तो आइए स्टोरी को रीड करते हैं। अ फ्रेल ओल्ड मैन वेंट टू लिव विथ हिज सन डॉटर इन लॉ एंड अ 4 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड सन। एक ओल्ड मैन अपने सन डॉटर इन लॉ और 4 ईयर्स ओल्ड ग्रैंड सन के साथ रहने चला गया। हिज हैंड्स ट्रेम्बल्ड हिज आईज आईसाइट वाज ब्लर्ड एंड हिज स्टेप फ्लैटर्ड। जो ओल्ड मैन था उसका हैंड का उसकी जो हैंड थी वो कांपने लगी और उसकी आईज की जो लाइट थी वो ब्लर्ड हो गई थी, उसकी आंखों की रोशनी जो थी वो ब्लर्ड हो गई थी, उसे साफ दिखाई नहीं देता था और उसके कदम जो थे वो लड़खड़ा रहे थे। द फैमिली एट टुगेदर एट द डिनर टेबल बट द ओल्ड मैन शेकी हैंड्स एंड फेलिंग आई साइट मेड ईटिंग रैदर डिफ़िकल्ट। फैमिली ने डिनर टेबल पर साथ में डिनर किया बट ओल्ड मैन के हैंड जो थे वो कांप रहे थे और उसकी आई की लाइट कम होने के कारण खाना खाने में उसे डिफ़िकल्टी हो रही थी, उसे कठिनाई हो रही थी। पीच रोल्ड ऑफ हिज स्पून्स इनटू द फ्लोर व्हेन ही ग्रैस्प्ड द ग्लास मिल्क ऑफ एन स्पिल्ड ऑन द टेबल क्लॉथ्स। जब उसने मटर खाने के लिए उठाया तो मटर फर्श पर अपने स्पून से नीचे गिर गया। जब उसने ग्लास को खोजा तो जो मिल्क था वो टेबल क्लॉथ पे गिर गया। स्पून एंड फॉक्स ऑफन फेल ऑन द फ्लोर समटाइम्स अ डिश और टू ब्रोक इनटू पीसेस। और स्पून फॉक अक्सर फर्श पे क्या होते थे, गिरते रहते थे क्योंकि जो ओल्ड मैन था उसकी आंखों की रोशनी कम हो गई थी जिसके कारण उसे अच्छे से दिखाई नहीं देता था और वह जब कुछ उठाता था तो वह उसके हाथ से छूट गिर जाते थे और टूट जाते थे। द सन एंड डॉटर इन लॉ बिकेम इरिटेट विद द मेस। वी मस्ट डू समथिंग अबाउट द ओल्ड मैन सेड द सन। सन एंड डॉटर इन लॉ मतलब जो ओल्ड मैन के बहू और बेटे थे वो इस बात से इरिटेट होते थे, चिढ़ते थे जब कोई भी सामान ओल्ड मैन से नीचे गिर जाता था। तो उन्होंने दोनों ने आपस में बात किया, उन्होंने कहा कि हम लोग को इस ओल्ड मैन के बारे में कुछ करना चाहिए। ओल्ड मैन के बेटे ने उसकी बहू से कहा यस वी मस्ट एडेड द डॉटर इन लॉ। और डॉटर इन लॉ यानी कि जो उसकी बहू थी उसने कहा हाँ कुछ करना चाहिए, उसने भी उसमें उसकी बात में हाँ में हाँ मिलाई। आई बी इनफ ऑफ हिज पिल्ड मिल्क नॉइजी ईटिंग एंड ब्रोकन डिशेस। अपने मिल्क नॉइजी ईटिंग एंड ब्रोकन डिश को इनफ मात्रा में ले लें। सो द सन एंड
हिज वाइफ सेट अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर, इसलिए उसके सन ने, उसके बेटे ने और उसके बेटे की पत्नी ने क्या किया, उसी रूम में अलग से एक इस कॉर्नर में एक स्मॉल टेबल रख दिया। देयर द ओल्ड मैन एट एलॉन वाइल द रेस्ट ऑफ द फैमिली इंजॉयड डिनर टुगेदर एट द डिनर टेबल। वहाँ ओल्ड मैन ने अकेले खाना खाया जबकि फैमिली के बाकी लोगों ने रात के खाने के टेबल पर एक साथ डिनर किया और डिनर को इंजॉय किया। सिंस द ओल्ड मैन हैड ब्रोकन अ डिश और टू हिज फूड वाज नो सर्व्ड इन अ वुडन बाउल। ओल्ड मैन ने एक या दो डिश तोड़े थे, अब उसका जो फूड था वो वुडन बाउल में सर्व्ड किया जाता था। जो उसके बेटे और बहू थे उसके लिए एक लकड़ी का कटोरा बनवा दिया था और उसी में उस ओल्ड मैन को वो खाना देते थे, जिससे कि जो डिशेस था वो टूट जाता था, जो बर्तन था वो टूट जाता था, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक लकड़ी का बाउल बनवा दिया था और उसी में उसको खाना देते थे। समटाइम्स व्हेन द फैमिली ग्लैंस्ड इन हिज डायरेक्शन ही हैड अ टीयर इन हिज आईज एज ही एट एलॉन। और जब वह अपनी फैमिली की ओर देखता था, उसकी तरफ नज़र करता था, तो उसकी आंखों में, जो ओल्ड मैन था उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे, उनकी आंख में आंसू भर आते थे, क्योंकि वह अपने आप को क्या पाते थे, अकेला पाते थे। स्टिल द ओनली वर्ड्स द कपल हैड फॉर हिम वेयर शेफ Admonitions when he dropped a fork or spilled some food, the 4 years old boy watched it all in silence. फिर भी only one word ही कपल के पास उसके लिए, यानी कि दोनों उसके बेटे और बहू के पास एक ही वर्ड उसके लिए रहता था। जब एक बार वह फॉक या फूड गिराता था तो वे दोनों क्या करते थे, बहुत चीखते थे और चिल्लाते थे। जो उनका 4 साल का बेटा था, 4 years old जो बॉय था, वो साइलेंटली क्या करता था, यह सब कुछ देखता था। वन इवनिंग द यंग मैन नोटिस्ड, एक दिन शाम में जो यंग मैन था उसने नोटिस किया, हिज स्मॉल सन प्लेइंग विथ वुडन पीसेस ऑन द फ्लोर। उसका जो छोटा, वह फर्श पर वुडन पीसेस से क्या कर रहा था, खेल रहा था। ही आस्क्ड हिम स्वीटली, उसने उसे स्वीटली पूछा, व्हाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो। जस्ट एज स्वीटली द बॉय रिप्लाइड, बॉय ने भी स्वीटली रिप्लाई किया, ओ आई एम मेकिंग अ लिटिल बाउल फॉर यू एंड मम्मा टू ईट योर फूड फ्रॉम व्हेन यू विल ग्रो ओल्ड। मैं आप दोनों के लिए एक लिटिल बाउल बना रहा हूँ, जब आप दोनों ओल्ड हो जाओगे तो अपना खाना उसी में खाओगे। द 4 years old स्माइल्ड एंड वेंट बैक टू वर्क, और जो 4 साल का लड़का था उसने स्माइल किया और वापस काम पर लग गया। द वर्ड्स वर टू स्ट्रक द कपल डैट दे वर स्पीचलेस, देन टीयर्स स्टार्टेड टू स्ट्रीम डाउन दियर चीक्स। अब ये जो वर्ड था ये उन दोनों को बहुत पेन दे रहा था, उसके जो फादर थे उसको, और उनके पास कोई स्पीच नहीं था, वो ये स्पीचलेस हो गए थे, वो उसके सामने कुछ बोल नहीं पाए, फिर उनके चीक्स पर आंसू बहने लगे। दाऊ नो वर्ड्स वाज स्पोकन, बोथ न्यू व्हाट मस्ट बी डन। दैट इवनिंग द हस्बैंड टुक ओल्ड मैन्स हैंड एंड जेंटली लेड हिम बैक टू द फैमिली टेबल। हालांकि कोई वर्ड नहीं बोला गया, दोनों को पता था कि उन लोगों को अब क्या करना चाहिए। उसी इवनिंग हस्बैंड ने ओल्ड मैन का हाथ पकड़ लिया और उसे जेंटली फैमिली के टेबल पर लाए। फॉर द रिमेंड हिज डेज ही एट एवरी मील्स विद द फैमिली एंड फॉर सम रीजन Neither husband nor wife seemed to care any longer when a fork was dropped, milk spilled on any dish was
ब्रोकेन वापस लाए। अब उन्होंने फैमिली के साथ उस दिन खाना खाया और इसी रीजन से जब फॉग गिरता था या मिल्क जो है वो गिर जाता था, स्पिल हो जाता था या डिशेज जो थे वो ब्रोक हो जाते, टूट जाते थे। तो अब हस्बैंड जो था जो और वाइफ जो उसकी जो वाइफ थी यानी कि जो ओल्ड मैन के बेटा और जो उसका बहू थी वो अब कुछ नहीं बोलते थे, इस बात को केयर नहीं करते थे क्योंकि अब उन लोगों को समझ में आ गया था कि हम जैसा उस ओल्ड मैन के साथ करेंगे वैसा ही उनका बेटा भी उनके साथ करेगा। तो आज का आपका होमवर्क है, आप चैप्टर 7 द वुडन बाउल इस स्टोरी को रीड करेंगे। ये स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आप लोग भी अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करेंगे। और आज की आपकी क्लास यहीं पे ओवर होती है। थैंक यू।